असम में एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट के जारी होने के बाद पूरे मामले पर राजनीति इस वक्त चरम पर है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो यहां भी एनआरसी के तर्ज असम में की तर्ज पर एनआरसी लागू किया जाएगा। दरअसल दिलीप घोष के बयान को पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनावी तैयारियों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने एनआरसी की लिस्ट से 40 लाख लोगों को बाहर किए जाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि बीजेपी उन लोगों के नाम भी रजिस्टर से बाहर करा रही है जिनके नाम पर पासपोर्ट और राशन कार्ड बन चुके हैं। सवाल उठता है कि वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय हितों के साथ राजनीतिक दल कब तक समझौता करेंगे और आखिरकार इस तरह की बातों पर राजनीतिक दल समझौता करने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? जरा सोचिए, कोई आपके ही घर में आपके साथ आकर हिंसा करता है फिर भी उसे इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो आपका वोट बैंक है। इस हालात का सामना करने पर आपको जितनी तकलीफ होगी, आज हिंदुस्तान उसी तकलीफ से गुजर रहा है। जिन लाखों घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से हटाना जरूरी है, उन पर वोटों के नाम पर राजनीति की जा रही है। आइए सुनते हैं कि राज्यसभा में यानी कि ऊपरी सदन में बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अमित शाह ने इस मामले को लेकर कैसे विपक्ष को घेरा। एनआरसी का मतलब क्या है? एकॉर्ड में क्या कहा गया? एकॉर्ड में कहा गया अवैध घुसपैठियों को पहचान कर उनको हमारे सिटीजन रजिस्टर से अलग करके आई नो व्हाट टू डू। अब अपना काम करिए, सिटीजन रजिस्टर बनाया जाएगा। वाचन वार्ड का काम तो ये इनिशिएटिव जो ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं आपके ही प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने लिया हुआ इनिशिएटिव, इसको अमल करने की हिम्मत नहीं थी, हम में हिम्मत है इसलिए हमें करने के लिए निकले। माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय, एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के, एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बंधा है। माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, सारे लोग और इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें, हमारे साथ इस वक्त अश्विनी उपाध्याय जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और इस मसले पर बातचीत करेंगे। अश्विनी उपाध्याय, स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त यासिर जिलानी जुड़ गए हैं। यासिर जिलानी, आपका भी स्वागत है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के आप प्रवक्ता हैं और इस डिबेट में आज एनआरसी वाले मसले पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ अंबर जैदी से भी पूछेंगे कि आखिरकार तकलीफ क्या है, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। अश्विनी उपाध्याय, आखिरकार 40 लाख लोगों को एनआरसी में डाला गया तो विपक्ष के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है, जबकि ड्राफ्ट 1985 में राजीव गांधी सरकार में तय किया गया था? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपके लाखों दर्शक देख रहे होंगे इस समय, इस पे पूरी तरीके से केवल तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति में देश के खिलाफ चले जाएंगे। ये पिछले दो तीन साल से लगातार दिख रहा है कि अगर उनको लगता है कि ये 10 वोट हमें मिल सकती है, ये 100 वोट हमें मिल सकती है, 1 लाख वोट मिल सकती है, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और केवल उनका कोई छोटा नेता नहीं बोलता, उनके बड़े नेता, बाकायदा उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आके बोल रहे हैं। देखिए, यह विषय आज का नहीं है, यह विषय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय बांग्लादेश से समझौता हुआ था, यह डिसाइड हुआ कि 1971 के बाद जो लोग आए हैं भारत में वो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार लगातार लटका रही थी, समझौता तो कर लिया लेकिन समझौते का पालन नहीं कर रही थी। उसके बाद उसमें बहुत सारे कमीशन बने, बहुत सारी इंक्वायरी हुई, सबकी रिपोर्ट आई, वो भी नहीं लागू हुआ।
फिर वर्तमान जो वहां के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, वो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया कि साहब ये लोग हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हो चुके हैं, इनको बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में फैसला दिया कि नहीं, जो लोग यहां पे घुसपैठिए हैं उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं, उनका कोई लीगल राइट नहीं, उनका कोई वोटिंग राइट नहीं, इनको बाहर करिए, क्योंकि ये इनकी वजह से भारत के लोगों की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दिक्कत हो रही है, भारत के लोगों का रोजगार ये लोग खा रहे हैं, भारत का जो नेचुरल रिसोर्स है उसको खा रहे हैं ये लोग, हमारे यहां ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, हमारे यहां ऐसे ही गरीबी है, इसलिए हम बाहर के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको बाहर कर दीजिए। अश्विनी उसके बाद ही फैसला चलता रहा, 2002 का जजमेंट था, उसके बाद में आती है 2004 का अश्विनी उपाध्याय, रिसोर्सेज और खाने पीने की बात में आती है। सबसे पहली बात तो ये देश के आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरे का विषय है। बिल्कुल विवेक, मैं उसी पे आ रहा हूं। उसके बाद आप देखें लगातार वहां पे असम के लोगों को ही, भारत के लोगों को ही वहां असम से मार मार के भगा दिया इन घुसपैठियों ने, बाकायदा गांव के गांव इन्होंने उजाड़ दिए, हालत ये बना दिया था कि जो असम के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनके खेत ये जोत रहे थे, उनके घरों पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, वो बेचारे भारत के लोग बाकायदा टेंट में रह रहे थे जी। भारत के लोगों को इन्होंने बेदखल कर दिया अपनी जमीन से, अपनी जायदाद से, इतना इनका हौसला बढ़ गया था। अब सरकार ने निर्णय लिया है, 2014 तक इनकी लगातार सरकार थी, इसके पहले इनकी लगातार सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने कोई निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। आपके पास आएंगे इस वक्त पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे सवाल करते हैं। दिलीप घोष, क्या वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है या इस मसले को इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि इस पर राजनीति करनी है और वोट बटोरना है? देखिए, हम तो बंगाल में करीब 35-40 साल से यहाँ की घुसपैठियों का खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया अभी भी बंगाल में है और देश भर में बंगाल से ही फैले हुए हैं। बड़े बड़े सिटी लखनऊ से दिल्ली, चेन्नई, मुंबई की में कॉलोनी बन चुकी है, वो आप जानते हैं। लेकिन यहाँ के राज्यपाल, माननीय असम के पिछले राज्यपाल, इन सारे लोगों का रिपोर्ट और खुफिया रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों में घुसपैठ होता है, सब जानते हैं। लेकिन इसको वोट बैंक बनाया जाता है। अभी पंचायत चुनाव हुआ बंगाल में, इसमें भी ऐसे कई लोग बांग्लादेशी घुसपैठिया जो प्रतिनिधि चुनते आ गए हैं, यहाँ सत्ता को कब्जा कर ली है, यहाँ बैंक लोन से लेकर के सब प्रकार की सुविधा भोग रहे हैं, यहाँ के लोगों की जो परिश्रम की कमाई वो लूट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, बंगाल में जो टेररिज्म चल रहा है, अभी सारा देश शांत है, बम बंदूक की आवाज आ रही है माइंड की, तो केवल उसी में वो संलिप्त है, जमात सिमी अलकायदा के लोग, हर जिला में बम विस्फोट हो रही है। और मजेदार बात है, जितने बार भी बाढ़ लगाने की बात आई बांग्लादेश की सीमा में, हमारे चीफ मिनिस्टर नॉन कोऑपरेट करती हैं, अभी ममता बनर्जी जमीन नहीं देती है, लोगों को उकसाती है कि उन जमीन ना दें, कि ये लगातार चलते रहे और वोट बैंक बनते बढ़ते रहे। इसीलिए हम भी तय किए हैं, कोर्ट का जैसा निर्देश है कि हर बॉर्डर स्टेट में एनआरसी होना चाहिए, तो अगले दिनों में बंगाल में हमको मौका मिले तो हम बंगाल में भी एनआरसी लागू करेंगे। ठीक है, यासिर जिलानी, कौन जिम्मेदार है इस हालात के लिए, क्या विपक्ष का हल्ला करना सही है इस मामले में? नहीं देखिए, आपको मैं थोड़ा सा आसाम को समझाना चाहूंगा। आसाम में कुछ ऐसे जिले हैं, कोकराझार, धुबरी, बारपेटा, ये आप ऐसे इलाके हैं जो बॉर्डर के इलाके हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, करीमनगर, हैलाकांडी, ये सब यहाँ पे घुसपैठिए इतने ज्यादा हैं कि जो हमारे संसाधन है उस पर भी उनका हक है। आप बिलीव करो कि हम हिंदुस्तानी लोगों के लिए जो हमारे संसाधन है वो कम पड़ रहे, हमारे जमीनों पे उनका कब्जा है, तो अगर आप घुसपैठियों को के फेवर में हिंदुस्तान के अंदर कोई दल राजनीति कर रहा है तो मुझे लगता है ये बहुत गलत हो। राज्यसभा में इस वक्त काफी हंगामा हो रहा है, ये बहुत गलत है, ये मैसेज पूरे भारत में बहुत गलत जा रहा है। आसाम की हालत को समझना होगा, आसाम में 90% ऐसे जिले हैं जहां पे घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा है, बेइंतहा, और उसके बाद वहां के नेता जो है बदरुद्दीन अजमल साहब कहते हैं कि उसमें भी उन्हें धर्म दिखाई देता है, उसमें भी वो धर्म को कहीं ना कहीं लेके आ रहे हैं। उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि जिस तरीके से पिछले 15 साल से कांग्रेस की सरकार रही और जितना पिछड़ा, आप बिलीव करोगे आज भी जो अजमल का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जमनामुख,
वहां पर रोड नहीं बन पाई, वहां लाइट नहीं पहुंच पाया, ये किसकी गलती है? ये इन लोगों की गलती है। और आज जब सरकार बदरुद्दीन जी को धर्म दिखाई देता है, नहीं इसमें देखिए, इस मामले में 24 मार्च 1971 सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है, 24 मार्च 1971 के बाद जो भी भारत के अंदर आके रह रहा है वो भारतीय है। लेकिन अगर वो अपना प्रूफ, उसके बाद भी कल पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने क्या कहा कि आप अपने क्लेम और ऑब्जेक्शन के तहत अभी भी आपके पास वक्त है 18 दिसंबर 2018 तक कि आप अपने आप को ये प्रूफ करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप भारतीय हैं। अगर उसके बाद भी आप भारतीय नहीं है तो आप घुसपैठिए, भारत की भूमि पे, एक इंच भूमि पे भी घुसपैठियों का रहना बिल्कुल ठीक नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक जानकारी दे दें कि राज्यसभा को भारी हंगामे के बीच कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद डिबेट में वापस लौटेंगे और इसी सवाल पर वापस लौटेंगे कि क्या रोहिंग्या मामले पर या घुसपैठियों के मामले पर देश में सियासत जायज है और क्या ये राष्ट्र विरोधी काम नहीं। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ मनोजीत मंडल जुड़ रहे हैं, टीएमसी समर्थक है। ममता बनर्जी इस बात का विरोध करती है कि रोहिंग्या मुसलमानों को देश में रहने देना चाहिए या फिर एनआरसी में जिन 40 लाख लोगों के नाम सामने आए हैं। सवाल यह है मनोजीत मंडल कि आखिरकार देश के हित की बात कब होगी या फिर जिंदगी भर वोट की बात होती रहेगी या देश जब तक रहेगा तब तक वोट की बात होगी? नहीं नहीं, देखिए आप ये दोनों मामला को एक साथ मत जुड़िए, रोहिंग्या इशू इज डिफरेंट और ये मामला बिल्कुल अलग है। आप ये इस दोनों को एक साथ जोड़ना बिल्कुल गलत बात होगा। देखिए जहां तक कि आसाम का जो एनआरसी का मामला है, आपको शायद पता नहीं होगा कि राजनीतिक मामला नहीं है, ये सीधा सीधा एक मानवाधिकार का मामला है, ह्यूमन राइट्स का मामला है। क्यों हम वहाँ 40-50 साल से रहा हूँ, वहाँ पर हम वोट भी दिया है, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास पैन कार्ड है, लेकिन हम ओवरनाइट हम रिफ्यूजी बन गए। मंडल जी ओवरनाइट की कहा है, आप आसाम एकॉर्ड किसने कौन लेके आया, किसके बीच में आसाम एकॉर्ड का समझौता हुआ, आसू और कांग्रेस के बीच में, ये एकदम ओवरनाइट तो कहीं कुछ हुआ ही नहीं। बोल रहा हूँ भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, नहीं आप बताइए, आप क्या हमारे संसाधनों पे जो भारत के लोग नहीं है, जो विदेशी घुसपैठिए हैं, उनको आप उनको क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में जो? ठीक है, एक सेकंड, आप ये कह सकते हो कि 40 लाख का जो नाम नहीं है वो सब विदेशी है, आप ये कैसे कह सकते हो? नहीं नहीं, लेकिन जिन लोगों का है फाइनल में, देखिए कल आप मनोजीत मंडल पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में क्या कुछ हुआ ये हम सभी जानते हैं। वोट के लिए किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि कई पंचायतों से नेता निर्विरोध चुनकर आ गए, क्या आप यही करना चाहते हैं पूरे देश में और इसलिए वोट बैंक की सियासत के तहत आप घुसपैठियों का भी समर्थन करेंगे?